दस पांच बारह साल पहले जो भी वेस्टफिकर को देखता था उसको घिनाडगी आते ही। वो भी एक ह्यूमन बॉडी, हमें भी एक ह्यूमन बॉडी, मतलब देखने का चीज, बात करने का चीज। हम जाने के टाइम में वो बोरा लेकर गया का तो वो टाइम में आदमी पूरा साइड में चल जाता, क्योंकि वो बगल थैले कंधे पे डाल के जैसे कि वो एक चोर समझते थे, गंदा आदमी समझते थे। वो टाइम में पुलिस का भी बहुत हमारा प्रॉब्लम था, कौन ही क्या भी चोरी करके चल जाता, बैग लेके हम जाता ना हमारा पकड़ लेता, तू चोरी करे बोल को। मैं क्या पूछ रहा हूँ, चोरी करने का हम सीखे तो कचड़ा में कहीं को हम हाथ लगा कोई काम करना। आंखें देखती हैं इन्हें रोज, पर जेहन नकार देता है। क्या लेना देना हमें इनके वजूद से, हमारे बीच कचरे का जो रिश्ता है। हम रोज कचरा पैदा करते हैं हजारों लाखों टन, और यही कूड़े के ढेर देते हैं इन्हें ऑक्सीजन। मुट्ठी पर रेत सा रोज फिसलता इनका जीवन, यही होता आया है अभी तक, यही रही है रवायत। अब तक कब तक देखें, कहीं एक अंकुर फूटा है, कहीं कुछ बदल रहा है, कहीं कुछ जरूर बदल रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं वहां। आज संडे है, कूड़े के पैकेट्स आप घरों के सामने देख सकते हैं। शहर अभी उनींदा है, पर अनम्मा और उसकी ये साथी मिनी ट्रक के रोज आने का टाइम तय है। अनम्मा जल्दी में है, इन्हें कॉरपोरेशन के ट्रक से पहले घरों तक पहुंचना है पिछले दिन का कूड़ा इकट्ठा करने। इसे इनकी भाषा में कलेक्शन कहते हैं। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके का ट्रक सब ले जाएगा, यानी एक दिन की कमाई खारिज। इस तबके के लिए जीवन के मायने रोज कुआं खोदना और पानी पीना है। ये छोटा ट्रक KA4-1C अनम्मा का सच्चा साथी है, अपने आने की खबर देता है और इन घरों से मिले कलेक्शन को समेटता है, यानी सिर्फ सूखे कूड़े को। अनम्मा के हिस्से में 2000 घर हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें, कंपटीशन टफ है, पर इसका प्रतिफल भी है। देखिए इन सड़कों को कितनी साफ सुथरी हैं ये, और इन्हें ऐसा बनाए रखने में रैक पिकर्स यानी कूड़ा पिनने वालों की कितनी अहम भूमिका है, इसका बोध है यहाँ के आम शहरियों को। They are really great people because they are going to day to day cleaning roads or other areas, but you have to respect them. That reputation is very poor because then every day morning they are going to announce and then please make it two-way wet wastage and dry wastage. We are not ready to make it to this thing. Apart from after evening after 8:30 9 o'clock, ourselves will go and back. Directly put into some corner area. That is really painful area, and that have to make awareness ourselves. This kind of things, our well-educated people doing that mistake, not uneducated people. Because most of the cities, 90% people were uneducated people. कलेक्शन पूरा हुआ, गाड़ी अपने ठिकाने की तरफ बढ़ती है, यानी वार्ड नंबर 101 कामाक्षी पालिया।
ये ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है जहां इस वार्ड का सूखा अपशिष्ट इकट्ठा होता है। अनम्मा और इनके साथी इन ढेरों से जरूरत की चीजों को अलग करते हैं। इनमें कागज, प्लास्टिक, लकड़ी, सूखे फल, गाड़ियों के टायर वगैरह शामिल हैं। देखिए इन बड़े बड़े बोरों को, इनमें छटी हुई सामग्री रखी है। इसको ये लोग बेचेंगे। हाँ, इनके भी खरीदार हैं। इन चीजों के भी दाम मिलते हैं, जिन्हें हम रद्दी कहकर तज देते हैं। फिलहाल अनम्मा इस कलेक्शन सेंटर की सर्वे सर्वा है। यहाँ क्या आता है, क्या जाता है, वो सारे निर्णय सिर्फ इनके होते हैं। इस सेंटर के एक दीवार पर उकेरा इनका बड़ा सा चित्र भी है। सेंटर में खरीद फरोख से जुड़ी सभी वस्तुएं हैं। पर ये आज का सच है, थोड़ा सुकून देता हुआ बीता वक्त आषाढ़ की तीखी धूप जैसा निर्मल था। अनम्मा ने कूड़े बिनने का काम 10 बरस की उम्र से ही शुरू कर दिया था। आज ये काम करते इन्हें 40 बरस बीत चुके हैं। अनम्मा स्थानीय भाषा बोलती हैं। उस बीते वक्त की कुछ परतें खोलती हैं, जिसका भावार्थ करते हैं साथी विश्वनाथ। ಚಪ್ಪರು ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ರಾಗ್. ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 6, ದೆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಬೈ 10:30, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ದೇ ಅನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, segregate, sort, and the other workers, they'll be working before she also comes here, because there'll be a waste, so there'll be a waste left behind each day, so they'll be working with that. Then after that she comes here and she gets more waste and there'll be more work to sort. Anamma ke mutabik inke jeevan mein badlav ke liye Hasirudala zimmedar hai. उन घोर अपमानजनक हालातों से निजात दिलाकर जिसने जीवन यापन के नए रास्ते खोले। हसीरुद्दौला क्या है, किस मकसद से ये वजूद में आया, कब आया, किसने सोचा कि हाशिए पर जी रहे इस गुमनाम तबके को सार्थकता और सम्मान का जामा पहनाया जा सकता है इसे सोशल एंटरप्रेन्योर बनाकर। चलिए उसी शख्सियत से रूबरू होते हैं, नलिनी शेखर से मिलते हैं। ये नलिनी की पहल का एक सुखद अंजाम है कि अनम्मा जैसे लोग जो कि इस मुहिम से 10 बरस पहले जुड़े थे, आज ना सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि अपने साथ एक और दो लोगों का परिवार भी चला रहे हैं। नन्नी शेखर एक सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं। 1993 में इनका प्रवास पुणे में था। मन में था कि शोषित और गरीबों के लिए कुछ करना है। बहुत सारे बच्चे बिनने वाले थे, तो वो बिनने वाले बच्चों के साथ हमने बातचीत की एंड देन और उनके थ्रू उनके घर गए। तो हम उधर स्लम में जब गए तो वेस्ट पिकर स्लम में भी बिल्कुल बाहर थे, मतलब अनटचेबिलिटी इतना था। तो स्लम में भी उनको पानी का अलग नल और रहने के लिए अलग जगह, तो वो सब देखे हमको लगा ये बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, मतलब पूरा गरीबी के अंदर भी इतना शोषण इनको है। और ज़्यादा तरफ उधर मांग और माथार कम्युनिटी के थे, वो देर ऑल दलित्स, तो हमको लगा ये। और दूसरा है ये लोग रोड पे जाते हैं और कूड़े बिनने में दे फाइट विद द डॉग्स एंड द पिग्स, और लोकल जो लोग हैं इनको छी बोलते हैं। तो हमको लगा ये कम्युनिटी जो है ये सभी करके ये देर ऑल लाफिंग एंजॉइंग लाइफ, मतलब कुछ तो है इस कम्युनिटी में। सो द स्ट्रेंथ दे हैव दैट अट्रैक्ट्स मी। फिर वापस बेंगलुरु आकर नलिनी शेखर और इनके पति शेखर प्रभाकर ने अपने शहर में कचरा बीनने वालों के जीवन में बदलाव लाने का फैसला लिया। ये साल 2012 था। उस दौर में बेंगलुरु का तेजी से शहरीकरण हो रहा था और इसके साथ ही शहर में कूड़ा और गंदगी भी बढ़ रही थी।
उसके प्रबंधन की समस्या थी सो अलग। दोनों ने 6 स्थानीय एनजीओ को साथ लेकर एक संगठन बनाया। ये स्थानीय संगठन कूड़ा बीनने वालों के साथ पहले से काम कर रहे थे। नए संगठन का नाम हसीरु दाला रखा गया। कन्नड़ भाषा के इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी में ग्रीन ब्रिगेड होता है। ये नाम भी इसी समुदाय ने चुना। एक सवाल और जहन में आता है, क्या मुद्दतों से हाशिए पर जी रही बिरादरी आप पर यूं ही भरोसा कर लेती है? किसी अजनबी से यूं ही मन जोड़ लेती है? नलनी एक पुराना किस्सा सुनाती हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करती थी मैं रेलवे स्टेशन में, और तो वो लोग बहुत चेक करते बच्चे, ये ऐसे आके सोशल वर्क करने आई है कि हमारे बात सुनने आई है, वो टेस्ट करते। एक ट्रेन था बॉम्बे टू चेन्नई, उसमें बहुत राइस खाते हैं और पुणे में जो एक्स्ट्रा है वो दे देते, तो उसको माँ बोलते थे, उस ट्रेन को माँ बोलते थे बच्चे। तो वहाँ जाके बेक करके आते थे वो खाना वगैरह। तो एक बार वो बेक करके आए, हमारा साथ दिया और कहा कि खाओ आप ही। मैंने खाया तो सब लोग हंसने लगे, बच्चे सब लोग हंसने लगे, आंटी तुम पास हो, मतलब तुम हमारे साथ हो। पर एक कूड़ा बीनने वाले को उद्यमी बनाने का विचार कैसे आया इन्हें? अगर वेस्ट स्पीकर को देख को देखते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर ही है। वो ही गोज ऑन द स्ट्रीट, पिक्स अप वेस्ट, सेग्रीगेट्स इट, सेल्स इट, सो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। सो देयर इज एन इननेट एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वेस्ट स्पीकर, एंड हम उसको लेवरेज करने चाहते थे। वी डिडंट वांट टू मेक देम 9 to 5 jobs, give them 9 to 5 jobs. We wanted them to give an opportunity to go as high as their ambition and aspirations were, right? And only an entrepreneurship can give you that. A job cannot give you that. नवंबर 2013 में दोनों ने एक ट्रस्ट शुरू किया, जिसने जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसकी मदद से शहर के नागरिक निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके यानी BBMP द्वारा कूड़ा बीनने वालों को औपचारिक पहचान पत्र जारी किया गया। इस बिरादरी के अधिकांश लोगों के लिए सरकार से मिली ये पहली ID थी। आज 8,000 से ज्यादा रैक पिकर्स को ये IDs मिल चुकी हैं। 2016 में जो कानून आया उसमें क्लियरली कहा गया वेस्ट पिकर मतलब क्या है। पहली बार हम तो दो सरकार और नौ साल करने के बाद 2016 में वेस्ट पिकर का क्या है, कौन है डेफिनेशन आया, और उनको इंटीग्रेट करना है, ये स्वच्छ भारत अभियान भी कहती है, तो उसको रियली इट इज़ नॉट अ ड्रीम, इट कैन बी डन। तो इतना बड़ा शहर में, बेंगलुरु जैसा शहर में हमने किया है, छोटे छोटे गांवों में हमने किया है, ये दोनों एक्सट्रीम है, एक मेट्रो में किया है, गांव में किया है, बीच में जो है सब कुछ कर सकते हैं। सो हमारा ये कहना है कि वेस्ट पिकर्स जो है आज काम कर रहे हैं बैंगलोर में, हमारा जरूरत नहीं होगा उनको तीन साल में। 2014-15 में हसीरु दाला के वजूद में आने के 2 बरस बाद एक सवाल और पैदा हुआ कि कैसे रैक पिकर्स और इनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, कैसे इनके लिए एक तयशुदा आय सुनिश्चित की जाए। इसके बगैर ये कवायद अपनी दिशा खो सकती थी। जल्द उम्मीद की लकीर बेंगलुरु नगर पालिका परिषद द्वारा 2015 में जारी किए गए एक ऐलान में दिखी। इसके तहत नगर पालिका ने 50 से अधिक घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कचरे का निस्तारण बंद करने की बात कही थी, और जिसके चलते इन तबकों को कचरे निस्तारण की व्यवस्था खुद बनानी थी या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवाएं लेनी थी। देखा जाए तो इन बदले हालातों ने हसीरु दाला की मुहिम को खुले आसमान में परवास करने का सुनहरा मौका दिया था, और एक बरस के भीतर स्वच्छता से जुड़ी ये पहल 60 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस और 8,000 घरों में अपनी पहुंच बना चुकी थी। अपार्टमेंट में काम देने के लिए दिया, मॉर्निंग देयर जस्ट नहा के, ड्रेस लगा के, नाइसली ड्रेस्ड, एक बैग लगा के, देन दे गेट ऑन टू द बस,
इट्स अ ह्यूज चेंज फॉर देम, राइट। तो कचरे में ही काम करते हैं, पहले भी कचरे में काम करते थे, अब भी कचरे में काम, बट द काम करने का तरीका और काम करने का स्थल अलग है। सो दे हैव चेंज देमसेल्व्स, यू नो, एंड टुडे पीपल लाइक अस, फॉर एग्जांपल मेनी मिडिल क्लास एक्टिविस्ट हु आर वर्किंग ऑन वेस्ट, दे इनवाइट वेस्ट बिकॉज होम, उनको खाना खिलाते हैं, चाय वगैरह देते हैं। सो इन लोगों का रहन सहन भी बदल गई है। लल्ली की टिप्पणी निराधार नहीं है। चलिए मिलते हैं मंसूर से। पांचवी तक पढ़े मंसूर ने किशोरावस्था से ही ये काम शुरू कर दिया था, वजह वो ही पुरानी, कोई और विकल्प ना होना। मंसूर हसीरुद्दौला से करीब 7 बरस पहले जुड़े, कैसा रहा इनका सफर वो खुद बताते हैं। 10-12 साल पहले जो भी वेश पीकर को देखता था उसको घिनाडगी आते ही, क्योंकि वो बगल थैले कंधे पे डाल के तो वहाँ वहाँ पे सड़क पे घूमता है तो बहुत दिक्कत आती थी, तो पुलिस पकड़ के लेके जाती, जैसे कि वो एक चोर समझते थे, गंदा आदमी समझते थे। जैसे हसीरुद्दौला ने आके हम लोगों को ट्रेनिंग दे के BBMP से कार्ड आने के बाद लोगों को पता चलने लगा ये बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, अपना जो कूड़ा है बिना सैलरी के उठा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी से कुछ सैलरी नहीं मिल रहा है उन लोगों को, जो वो 2-3 किलोमीटर सड़क से घूमने के बाद वो जो भी सेग्रीगेट किया हुआ माल जो कबाड़ी के शॉप में सेल करके जो उसमें पैसा आता उसी में उनका गुजारा चल रहा है। तो ये सब हम लोग उनको समझाने लगे। हसीरुद्दौला की नीति है इस तबके में हुनर को पहचानना और उसे तराशना। कृष्णा भी इसके संपर्क में आए। कृष्णा भी काफी छोटी उम्र से ही अपनी माँ के साथ कूड़ा बीनने जाते थे, जो मिलता उससे शाम को परिवार को रोटी मिलती थी। बड़े बुरे दिन देखे, काम के दौरान भीषण अपमान झेला, चोरी का इल्जाम सहा और पुलिस से 2-4 होना तो रोज का नियम सा था। वो टाइम में पुलिस का भी बहुत हमारा प्रॉब्लम था, क्यों बोलेगा तो कोनी क्या भी चोरी करके चल जाता, बैग लेकर हम जाता ना हमारा पकड़ लेता, तू चोरी करे बोल को। मैं क्या पूछ रहा हूँ, चोरी करने का हम सीखे तो कचड़ा में कहीं को हम हाथ लगा कोई काम करना। अभी हम बोल रहे ना हम बचपन से वो वेस्ट पिक कर, अभी तो हम ड्राइवर्स कलेक्शन सेंटर ऑपरेटर, वो मेरा नाम में ये बिल्डिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी आदमी को ऐसा होना, ID कार्ड भी हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट देखे वेस्ट पिकर के लिए ID कार्ड, वो ID कार्ड आप लोग देखेगा तो हमारा इधर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर है ना, उसका ID कार्ड भी मेरा ID कार्ड भी एक ही ID कार्ड है। हसीरुद्दौला के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे हालात बदले, ट्रेनिंग मिली तो आत्मविश्वास बढ़ा, 4th class के बाद गरीबी ने पढ़ने नहीं दिया। कृष्णा आज 32 बरस के हैं और डोमलुरु स्थित इस ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं। यहाँ रोज लगभग 1.5 टन कूड़ा आता है जिसे जरूरी वस्तुएं बीनकर अलग की जाती हैं। कृष्णा को आप उस्ताद भी कह सकते हैं, इन्होंने कुछ खास किया है वो चर्चा आगे। फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। नल्ली और प्रभाकर का मकसद न सिर्फ इस क्षेत्र को संगठित करना था बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ्रेंचाइजी मॉडल में बदलकर लंबी रेस का खिलाड़ी बनाना था, कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाना था। इसकी वानगी मिलती है यशवंतपुर के मारप्पन पालिया में बने इस ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में। इसके इंचार्ज 29 बरस के सतीश हैं, जो मूल रूप से तमिलनाडु से हैं। सतीश निरक्षर हैं और 2008 से इस क्षेत्र में हैं। मैं कभी स्कूल नहीं गया, जीवन बसर करने के लिए कबाड़ी की दुकान में 6,000 रुपये नौकरी पर काम शुरू कर दिया। मुझे यह काम सही लगा और मैं इसे करता रहा, फिर शादी भी कर ली। आज काम काफ़ी बढ़ चुका है, मैं खुद ही मुख्तार हूँ, अब जीवन में ऐसी कोई परेशानी रही नहीं है। हिंदी
गांधी की मशहूर कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज इस तबके के संकल्प और काम का ही असर है कि आसपास चल रही गद्दा बनाने वाली कंपनियां अब ये सामान फेंकती नहीं, यहां भेज देती हैं, और ये बैग्स कचरा इकट्ठा करने में बेहद काम आते हैं। यानी धीरे धीरे कारवां बन रहा है, बढ़ रहा है। आज नलनी और प्रभाकर की पहल ने बैंगलोर में हजारों रैक पिकर्स या कूड़ा बिनने वालों को ना सिर्फ रोजी बल्कि सम्मान भी दिलाया है। We call them robust entrepreneurs, silent environmentalists. They are environmentalists. जो क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन भी वो करते हैं, आज जो बोल रहे हैं कि ओशन में इतना प्लास्टिक है, दीज आर द फर्स्ट डिफेंडर्स फॉर अवॉइडिंग प्लास्टिक गेटिंग इनटू वाटर, तो दे आर एनवायरमेंटलिस्ट। इस बिरादरी से तमाम लोगों को उद्यमी और इनोवेटर बनने में मदद की है। इस स्टोरी के दौरान हमने एक खास बात नोटिस की कि सरकार और समाज जहां पैट ना बना पाए, वो काम आज तकनीक कर रही है। यानी पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की वो बड़ी उम्मीद बन रही है जो बरसों से इसका आसरा तक रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्णा ने एक फोन ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से स्थानीय नागरिक इस टीम को कचरा उठाने के लिए सूचित करते हैं। और क्या क्या है इस ऐप में, खुद कृष्णा से सुनिए। मेरा ऐप में मेरा गाड़ी व्हीकल कलेक्शन का व्हीकल आपका स्ट्रीट है ना, वो सामने आएगा तो पूरा स्ट्रीट को मैसेज चल जाता, व्हीकल आ गया, आपका वेस्ट पूरा रेडी कर ले, पहले मैसेज फोन को। उसको बाद में एक म्यूजिक भी डालता, आप लोग नहीं आएगा तो वो मेरा गलत नहीं, वो आपका गलत, ठीक है, हम आया नहीं आया बोल को उसमें एक ये QR कोड ही रहता, सब भी गेट में हम टैग करके रहता, मेरा स्मार्टफोन लेक जाको जस्ट स्कैन करता, टाइम एंड डेट एंड लोकेशन युवा घर को हमें प्रेजेंट होगा। आप लोग कितना दिन वेस्ट दिया, कितना दिन सेक्रिकेशन करिया नहीं करिया, वो पूरा डेटा हमारा ऐप में आ जाता। ये तकनीक का वाकई शानदार इस्तेमाल है। अब कूड़ा संचयन और प्रबंधन हुआ हाईटेक, यानी अपने घरों और आसपास के इलाकों को साफ रखने का दायित्व अब सभी का, वरना झेलिए अपनी गंदगी को। ये ऐप बाकी शहरों के लिए भी मिसाल बन सकता है। वैसे मंसूर भी इसी नाव में हैं। आज मंसूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना कुछ वक्त गुजारते हैं। देश दुनिया से लोग इनसे ड्राई वेस्ट कलेक्शन के विषय पर राय बात करते हैं, सुझाव लेते हैं, ताकि वो भी अपने स्तर पर स्वच्छता के यज्ञ में आहुति दे सकें। ये हरी वर्दी और BBMP द्वारा दिए गए बैच नंबर के साथ, जो इन्हें सार्थकता का बोध भी कराता है। मंसूर MGR स्लम्स में रहते हैं। इसे अब नए राजेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। इसकी आबादी लगभग 2500 है। वैसे कूड़ों के ढेर इनके जीवन की सच्चाई जरूर हैं, पर तालीम की रोशनी भी इस बस्ती में पिछले कुछ बरसों से जगह बना रही है। यहाँ के बच्चे शिक्षित होकर हसीरुद्दौला में काम कर रहे हैं। वैसे हसीरुद्दौला से इनका परिचय कुछ ही बरसों पुराना है, पर इस संबंध का असर इनकी आजीविका पर देखा जा सकता है। 2003 में जहां इस बस्ती में रहने वालों की प्रतिमाह औसत कमाई लगभग 15,000 रुपए थी, वो आज बढ़कर 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में हो गई है। नलिनी के नेतृत्व में हसीरुद्दौला इस तबके का आज और कल दोनों बदल रहा है। आज इनके बच्चे इनके साथ कचरा पीने नहीं जाते। अतीत में इस तबके के बच्चे शिक्षा और देखभाल के अभाव में अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते थे। आज इनको शिक्षित कर अलहदा जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। हम यहां भी गए। ये उगूरी कम्युनिटी लाइब्रेरी है। उगूरी कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब हिंदी में लट्टू होता है। तो यहाँ रैग पिकर्स के बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार किया जा रहा है। जो हाथ आज मैले के ढेर में हो सकते थे, वो इन रंगीन पेंसिलों से अपनी कल्पना को इन कागजों पर उकेर रहे हैं, कहानियां सीखकर सुना रहे हैं। आज हसीरुद्दौला की इकाइयां लगभग 300 थोक अपशिष्ट ग्राहकों यानी बल्क वेस्ट जनरेटर्स क्लाइंट्स की सेवा कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 30,000 घर शामिल हैं।
ये इकाइयां हर महीने 800 टन ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट को संसाधित करने में मदद करती हैं, कचरे से रोजगार पैदा करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलोर में हर रोज तकरीबन 4000 टन कचरा पैदा होता है। सो दिस इज एन आउटकम, द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट द सिटी हैज मेड, इट्स अ आउटकम इज क्रिएशन ऑफ जॉब्स, व्हिच इज आल्सो बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो स्वच्छ भारत में बातचीत किया है एक्चुअल हो। तो अतीत से वर्तमान का सफर आपने देखा, आने वाला कल कैसा होगा? हम चाहते सब वेस्ट पिकर्स एटलीस्ट इन कर्नाटका शुड गेट एन आईडी कार्ड और उनका इज्जत मिले। फॉर एग्जांपल, स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद तेरा माहौल है वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करने का, बट स्वच्छ भारत ऑल्सो सेज उनको इंटीग्रेट करो। गुनी कहते हैं कि कुछ अनूठा करने की ललक तो हम सब में है, पर जो कर गुजरा वही सिकंदर। लगभग एक दशक पहले जन्मी ये मजबूत पहल कई मील के पत्थर पार कर आगे बढ़ती जा रही है। ये लकीर नलिनी और प्रभाकर के जीवन काल से जरूर आगे जाएगी। हाशिए में भी हाशिए पर पड़े इस तबके को सामाजिक हक और सम्मानजनक जीवन देने, कृष्णा, सतीश, अनम्मा, मंसूर इस सन्निकट बदलाव के सशक्त प्रतीक हैं। उन्नत मानव मूल्यों, संघर्ष और हट के परिचायक हैं। पर उस सबसे पहले एक बदलते उन्नत भारत का सच होता सपना है ये नलिनी के नायक।